नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल है। एनडीए से एलजेपी अलग हो चुकी है और अब चिराग पासवान ने खुला पत्र जारी करके एकदम क्लियर कट अपना स्टैंड रख दिया है बिहार के लोगों के सामने। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। किसके साथ वो जुड़ेंगे ये तो अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि वो जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तो सवाल ये है कि बीजेपी के खाते में एलजेपी थी, क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? उधर तो जेडीयू के साथ हम यानी जीतन राम मांझी जुड़ चुके हैं, जिन्हें जेडीयू को 5 से 7 सीटें देनी है। दोनों के बीच में बेशक कभी ऐलान न हुआ हो, लेकिन सीटों का समझौता भी हो गया है बीजेपी और जेडीयू में कि 122 पे जेडीयू और 121 पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब जिसको अपने साथ किसी को जोड़ना है जोड़े और अपने खाते से सीटें दे, ये चल रहा है बिहार में। एलजेपी इसलिए छिटक गई क्योंकि जितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे थे बीजेपी दे नहीं सकती थी। इसके अलावा दूसरा जो रणनीतिक कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी साथ रहते हुए नीतीश कुमार को घेर रही है और उसी जो है स्ट्रेटजी के तहत चिराग पासवान अलग हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ के पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे। इससे समझा जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी अकेले जाएगी चुनाव मैदान में? नहीं, बीजेपी का एक नया सहयोगी जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, वो जिसने कि 3 अक्टूबर को होटल में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत कर दी थी और बगावत करने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जो वीआईपी उनकी पार्टी है मुकेश सहनी वो कहाँ जाएंगे, जो 2 और मोर्चे बने हैं या गठबंधन बने हैं उसमें शामिल होंगे या एनडीए की तरफ आएंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने बगावत की उसके बाद आरजेडी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि ये हमें पता है कि क्या करने वाले हैं। ये पहले भी हाँ या ना बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटजी के तहत ये किया और ये एनडीए में जाएंगे, बीजेपी के नए सहयोगी बनेंगे। और अब पक्की खबर आ रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए से जुड़ने जा रहे हैं और एनडीए से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, मेन वो बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से वो अब गठबंधन करेंगे, उसके सहयोगी बनेंगे और बीजेपी के खाते से उनको सीटें मिलेगी। तो इस तरीके से सन ऑफ मल्लाह अपने को बोलते हैं, वो मुकेश सहनी बीजेपी से जुड़ेंगे। यानी कि जो चिराग पासवान इधर से छिटक के उधर गए हैं तो कुछ परसेंटेज जोड़ने के लिए अपने साथ बीजेपी ये दाव चलने जा रही है, ताकि जो है उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहे नीतीश कुमार की तुलना में। क्योंकि उधर जब एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी ये दांव चल रही है कि अपने साथ कुछ और वोट परसेंटेज जोड़ो, उसी के तहत इनको मुकेश सहनी को जोड़ा जा रहा है। मल्लाह जो समुदाय है उसमें उनकी पकड़ मानी जाती है। अभी तक वो महागठबंधन के साथ जुड़े हुए थे और अब बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। रही बात सीट शेयरिंग फार्मूला के ऐलान होने की, तो कहा जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा, सब कुछ सहमति बन चुकी है और पहले फेज का जो चुनाव है 28 तारीख को, उसके लिए 8 तारीख तक ही नामांकन होना है, लिहाजा अब समय भी नहीं है। तो इंतजार हो रहा है कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और बीजेपी जेडीयू ऐलान करेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि तभी जो है मुकेश सहनी का भी ऐलान कर देगी बीजेपी। ये ऐलान बीजेपी को करना है और मुकेश सहनी को करना है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।